अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी के ऑल इन वन चैनल। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा लज़ानिया। तो देखते हैं आज की ये रेसिपी। बट अगर अब तक के आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ को देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, और अगर यूज़फुल लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम टेस्टी सी रेसिपी। तो पहले मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर मैंने डाल दी है 2 चम्मच, मैंने पानी को बॉईल किया, और 2 चम्मच इसके अंदर नमक और 2 चम्मच घी या ऑयल जो आप लोग प्रेफर करते हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये स्टेप हम करते हैं इसलिए ताकि जो भी हम पास्ता बॉयल कर रहे हैं वो आपस में चिपके नहीं, अलग अलग रहे। तो इसके लिए हम इस स्टेप को करते हैं ताकि खिला खिला रहे वो। तो इसके अंदर अब मैंने घी शामिल कर दिया, और अब मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपनी लज़ानिया की स्ट्रिप्स। तो देखिए ये ऐड हो चुकी है इसमें। दो तीन मिनट पका लिया है मैंने, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लज़ानिया के स्ट्रिप्स। जैसे जैसे वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब करती जाएंगी, सोक करती जाएंगी, वैसे ही ये उसमें जो है वो सेट हो जाएंगी। तो आपको इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ वैसे ही इसे बॉयल होने के लिए इसमें डाल देंगे, चाहे आपका पॉट छोटा ही क्यों ना हो। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसे, इस तरह से आप लाइटली लाइटली जो है वो इसको प्रेस करेंगे तो ये जो है वो गर्म पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये सॉफ्ट होती जाएगी। जैसे जैसे ये सॉफ्ट होती जाएगी वैसे वैसे ये अंदर सेट होती जाएगी। और जब तक के वो वहाँ पे बॉईल हो रही है तब तक के मैंने यहाँ पे कीमे को स्टार्ट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया 1 पाव कीमा, 1 ली है मैंने प्याज दरमियाने साइज़ की, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 3 से 4 चम्मच चिली गार्लिक सॉस है, यहाँ पे टमाटर है 1 अदद, और गार्लिक है 1 फाइन चॉप किया हुआ, और साथ में है शिमला मिर्च, कैप्सिकम 1, और चेडर चीज़ें हमारे पास चेडेड, और साथ में पार्सले है, पार्सले जो है वो ड्राइड है, फ्रेश नहीं है, 1 गिलास दूध है, और ये है जनाब मैदा और काली मिर्चें और मक्खन। ये सारा सामान जो है ये वाइट सॉस का है जो कि हम प्रिपेयर करेंगे अलग से। अब पहले हम कीमे की तरफ चलते हैं। कीमे के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया अपने पैन के अंदर घी। दो चम्मच घी डाल रही हूँ, अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो आप 2 चम्मच ऑयल लेंगे। ये 1 पाव कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा कीमा लिया है तो आप उसी हिसाब से सब जितने भी मैं इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ उसको आप मल्टीप्लाई करके उसकी आप रेशियो उतने ही बढ़ा सकते हैं। और स्पाइसेस आप अपने जो है वो टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, और काली मिर्च का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं नॉर्मल खाना पसंद करती हूँ तो मैं उतना ही ले रही हूँ। अब मैंने इसमें जो है वो प्याज शामिल कर दी है, फाइन चॉप की भी ऑमलेट स्टाइल की। अब इसको हम साते कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हम, लेकिन हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे ट्रांसपेरेंट कलर का करना है। देखिए अच्छे से आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे। ये अच्छे से साते हो जाए, अब हम इसमें फाइन चॉप्ड लहसुन डाल रहे हैं 1 अदद, बिल्कुल फाइन चॉप हुआ होना चाहिए ताकि ये मुंह में नहीं आए।
कुछ लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, मुझे भी जो है पर्सनली पसंद नहीं है कि ज़्यादा मेरे मुँह में लहसुन वगैरह आ जाए, चंक्स आए, मुझे नहीं अच्छे लगते। बट फ्लेवर्ड के लिए आप लहसुन इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल फाइन। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर रही हूँ। कीमे को अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। ये देखिए मैं अच्छे से चम्मच चला रही हूँ इसमें और इसे अच्छे से कर रही हूँ स्टर। अब हम इसमें जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ टमाटर, ये भी बारीक कटा हुआ है। अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 3 से 4 चम्मच चिली गार्लिक सॉस, अभी से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राइड पार्सले, मुझे पार्सले का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा लगता है तो मैं ये हर्ब यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में कुटी हुई काली मिर्च जाएगी 1 चम्मच के करीब। स्पाइसेस जितने ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा आपके खाने में, चाहे वो आप कुछ भी बनाएं। ये देखिए मैं इसको अच्छे से पकाते जा रही हूँ। अब मैं जो है वो इस पर थोड़ा अच्छे से पकाने के बाद इसको मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी, कवर करके थोड़ी देर के लिए, ताकि जो हमारा चिकन है वो मीट है वो अच्छे से गल जाए, हमारा कीमा अच्छे से हो जाए तैयार। और ये देखिए ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी थोड़ी सी मैं कर लूँगी भुनाई, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो गल चुका है, हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और इसको फिर मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और फिर हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे हमारा वाइट सॉस बनाना और हमारी जो लज़ानिया है वो भी डन हो चुकी हैं, उनको भी मैंने निकाल लिया है। अगर आपको देखना है कि पास्ता बिल्कुल कम्प्लीटली कैसे बॉयल करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को चाउमीन बनाना सिखाया है सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो उसमें बिल्कुल ही कम्प्लीट मैंने वही प्रोसीजर यूज़ किया है जो स्पेगेटी को वहाँ पर बॉयल करने के लिए किया था, वही प्रोसीजर मैंने यूज़ किया है लज़ानिया को भी बॉयल करने के लिए। तो वो आप मेरी जो है वो उस वीडियो में से देख सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम मैं थोड़ी सी रोक लूँगी क्योंकि मुझे लास्ट में जो है वो गार्निशिंग के लिए चाहिए होगी, तो ये मैंने थोड़ी सी रख ली है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम कैप्सिकम डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा पका दिया तो जो है वो कैप्सिकम मुरझा जाएगी, वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली गल जाएगी, तो वो क्रंची सी नहीं रहेगी, तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये देखिए मैंने एक बाउल में निकाल लिया इसे और अब मैं वाइट सॉस की तरफ जा रही हूँ। इसमें मैंने एक पैन के अंदर 2 चम्मच लिया है मक्खन बटर, और साथ ही में 1 से 1.5 चम्मच मेरे पास मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, हम इसे मिक्स करना नहीं छोड़ेंगे वरना इसमें लम्प्स बन जाएंगे मैदे के, जो कि जो है वो आपके वाइट सॉस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आपने चम्मच चलाना है, इसमें नहीं छोड़ना है, आप इसको कम्प्लीटली स्टर करते रहेंगे कंटिन्यूसली, और तब तक करेंगे जब तक कि आपको जो है ये थोड़ा सा थिक होता हुआ नज़र ना आ जाए। इसको आपने इतना पकाना है कि थोड़ा सा सॉसी टाइप का हो जाए, लिक्विड ही ज़्यादा ना हो, थोड़ा थिक हो जाए ये। इसे कम्प्लीट स्टर करते रहेंगे, एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स के अंदर यह जो है वो रेडी हो जाएगा अप्रॉक्स। लेकिन आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना है, इसमें स्टर करते रहना है कंटिन्यूअसली जैसे मैं कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी ब्लैक पेपर, ये भी 1 टीस्पून डाली है मैंने, शामिल की है इसके अंदर। और अब मैं इसे स्टर कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। ये देखिए थोड़ा सा जो है वो थिक हो चुका है हमारा सॉस। और अब मैं इसे जो है वो एक बाउल में निकाल लूँगी और स्टार्ट करूँगी इसकी जो है वो लज़ानिया को सेट करना। ये नो बेक है, इसमें हम बेकिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अवन में बेकिंग नहीं कर रहे हैं, हम चूल्हे पे ही बेकिंग करेंगे इसकी जो एट लास्ट करनी होती है। देखिए अब इसको सेट करने के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने वाइट सॉस ली है। सबसे पहले मैंने स्ट्रिप्स नहीं रखी, बल्कि नीचे वाइट सॉस जो है थोड़ी सी स्प्रेड कर रही हूँ मैं। ये देखिए अच्छे से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। फिर इस पे हम लगाएंगे हमारी जो लज़ानिया की बॉइल्ड स्ट्रिप्स हमने रखी हुई हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, फिर उनकी एक लेयर बिछा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने लज़ानिया की पूरी स्ट्रिप जो है वो बिछा दी है। अब उसके ऊपर मैं कीमे की जो हमने फिलिंग तैयार की थी, रेडी की थी, अब मैं वो इस पे फैला रही हूँ पूरी की पूरी। अच्छे से तह लगानी है इसकी भी, अच्छे से स्प्रेड करना है इसको भी, ताकि इसके चंक्स जो है वो हर बाइट में आपको मिले और ये बहुत टेस्टी बना था। आप प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए अच्छे से हमने इसको स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इस पे वाइट सॉस जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ। इसी तरह से आपने लेयरिंग करनी है सबकी। फिर दोबारा से स्ट्रिप्स रखेंगे, फिर कीमा, फिर आप जो है ये वाइट सॉस डालेंगे। इस तरह से जितना भी आपका ये स्पेगेटी आपने वो सॉरी लज़ानिया जितना भी आपने बॉईल किया है वो सब इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये चीज़ जो मैंने फर्स्ट आपको असेंबलिंग दिखाई है, इसके ऊपर जितनी भी लेयर्स होंगी इसी के ही साथ वैसे ही जाएंगी, ठीक है? स्टेप ऊपर नीचे मत कीजिएगा इसके। पहले लज़ानिया स्ट्रिप्स, देन फिलिंग, देन वाइट सॉस, देन चेडर चीज़ एंड देन पार्सले। अब मैंने यहाँ पे पतीली के अंदर जो है वो उसको 5 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था, उसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था। उसके अंदर मैंने एक प्लेट रखी है और उसके ऊपर ही अपना सेट किया हुआ लज़ानिया का बाउल रख दिया है। और अब मैं इसको जो है वो कवर कर दूंगी, और कवर करके इसको 20 to 25 मिनट्स के लिए मैं मीडियम टू लो हीट के ऊपर छोड़ दूंगी इसको पकने के लिए। तो ये विदाउट ओवन है, आपको इसके लिए ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल ये वैसा ही टेस्ट देगा अगर आप ओवन में बनाते तो जिस तरह का रेडी होता है ये बिल्कुल उसी टाइप का ही रेडी होगा। कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती चीज़ को, मेरी चीज़ जो है वो लाइट लाइट सी ब्राउन होती है, तो मुझे इतनी ही जो है वो थिकनेस पसंद होती है। और ये देखिए ये मैंने आप लोग के लिए प्लेटर में निकाल के सर्व करके रखी है, और ये कितना देखने में जितनी अटेम्प्टिंग लग रही है उतने ही बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जो है वो आप लोग कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई ट्रिक्स के साथ। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।